नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसके साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी इस चैनल पर लाने की कोशिश करता हूँ। तो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान हमारे पास आया था 3D फ्रंट एलिवेशन के लिए। काफ़ी बड़े और बेहतरीन सा प्लान है, वो प्लान मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे पहले जो उस पर हमने एक डिज़ाइन दिया था, ये फ्रंट एलिवेशन हमने दिया था, वो फ्रंट एलिवेशन आपको दिखाऊंगा। इसके कलर ऑप्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में उसका जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान था जो उन्होंने हमारे पास भेजा था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान उन्होंने हमारे पास भेजा था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन हमने नहीं बनाया क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको दो रोड बताया गया है। यहाँ पर इस साइड में एक रोड और ये जो है इस साइड में एक रोड है। यहाँ पर जो है मेन गेट बताया गया है और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वॉल टाइल्स लगाई हैं यहाँ पर मेन गेट है। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बालकनी है, तो इसमें और जो फोटोज़ है इसमें आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेयरकेस है इस साइड से। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये मेन गेट आपको बताया था, यहाँ पर वॉल टाइल्स लगाया था। यहाँ पर जो है मेन डोर है हमारा लिविंग रूम का। उसके बाद में यहाँ पर एक रूम का डोर है। अब ये जो है किसका कौन से रूम का डोर है ये आपको प्लान में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो विंडो बताया गया है और यहाँ पर एक विंडो बताया गया है, ये विंडो भी किस रूम के है आपको समझ में आ जाएगा। तो नक्शा ज़रूर देखिए, आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन है, काफ़ी बेहतरीन से कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। उसके बाद में फिर से कलर कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ जाएगा, और भी कलर कॉम्बिनेशन हमने दिए हैं लगभग आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया सुंदर सा एक कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लूइश कलर है, ये भी एक सिंपल सा और बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब आगे बढ़ते देखिए, ये एक कलर कॉम्बिनेशन है, ये भी एक सिंपल सा लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन दिया है, और ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट साइड दिया गया है। फ्रंट साइड से आपको ये पूरा घर जो है इस टाइप में नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा मेन गेट रहेगा यहाँ पर, उसके बाद में ये मेन डोर बताया गया है हमारे लिविंग रूम का। यहाँ पर एक विंडो, यहाँ पर एक विंडो बताया गया है। यहाँ पर ऊपर जो है सिंपल सा डिज़ाइन बताया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कलर कॉम्बिनेशन चेंज है, और ये टोटल जो है फ्रंट व्यू है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये इस टाइप में कुछ डिज़ाइंस दिए थे, ठीक है। अब इसका जो नक्शा बताया गया था जो उन्होंने हमारे पास भेजा था 3D फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो प्लान हमारे पास भेजा गया था। यहाँ पर जो है उनका रोड बताया गया है उस साइड में, और ये जो है इस साइड में भी रोड बताया गया है। अब इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं ईस्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है साइड ईस्ट है और ये नॉर्थ है, और मतलब और ये जो है साइड वेस्ट है, मतलब नॉर्थ और वेस्ट में हमारा रोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा मेन जो रोड बताया गया है ये नॉर्थ में है, और जो सेकंड वाला रोड जो है वो वेस्ट में है, मतलब वो पश्चिम की दिशा में है। अब ये जो प्लान है आप देख सकते हैं, मेन गेट से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह मिलती है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। यहाँ पर एक गेट बताया गया है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वरांडा बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर नज़र आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वरांडा दिया गया है, यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, और यहाँ से एंट्री करें हमारे इस हॉल में। अब ये जो हॉल है, हॉल का साइज़ जो दिया गया है आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है 13 फीट 3 इंच, उसके बाद में 10 फीट 9 इंच जो है इसका विड्थ है, मतलब 21 फीट बाय 10 फीट 9 इंच का यहाँ पर पूरा ये साइज दिया गया है ड्राइंग कम डाइनिंग का, ठीक है। ये प्लान जो है, प्लान हमने नहीं बनाया था, ये प्लान जो है उन्होंने बनाकर लिया था किसी और से, लेकिन जिन्होंने भी ये प्लान बनाया है काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा प्लान बनाया है। तो ये प्लान का क्रेडिट जो है हमको, हम उन्हीं को देते हैं जिन्होंने ये प्लान बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिविंग रूम बताया गया है, यहाँ पर आपको एक विंडो बताया था, यहाँ पर ये जो है ऑफिस का रूम बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका साइज़ जो दिया गया है 13 फीट 1 इंच बाय 10 फीट का, मतलब 13 फीट बाय 10 फीट का यहाँ पर साइज़ बताया गया है, और उसके बाद में यहाँ पर एक पूजा रूम एडजस्ट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर एक किचन दिया है, 8 फीट बाय 10 फीट का किचन का साइज़ दिया गया है। प्लान जो है बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेडरूम बताया गया है लिविंग रूम से ही, यहाँ पर उसका डोर बताया है 16 फीट बाय 10 फीट का इसका साइज़ दिया गया है, और यहाँ पर इस साइड में 4 फीट का पूरा पैसेज छोड़ा गया है।
उसके बाद में इसके डायमेंशन जो है आप आराम से वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद में ये जो रूम है इसको अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, बीच में दोनों के एक ओपन डक्ट रखा गया है, फिर से एक टॉयलेट बताया गया है क्योंकि साइड में जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर ओपन डक्ट बताया है, यहाँ से एक टॉयलेट बताया गया है, ये जो है ये कॉमन है मतलब बाहर से यूज़ करेंगे, और यहाँ का जो टॉयलेट दिया गया है ये इस बेडरूम को अटैच दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर फिर से एक बेडरूम बताया गया है जिसका साइज़ है 11 फीट 4 इंच बाय 12 फीट 9 इंच का, और उसके बाद में यहाँ पर एक विंडो बताया गया, ये जो है फ्रंट साइड से आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेयरकेस का टावर बताया गया है जो डिज़ाइन में हमने बनाया था बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये जो टावर आप देख रहे हैं ये टावर जो है ये जो टावर है यहाँ पर आपको प्लान में नज़र आ रहा है, ठीक है ये। और उसके बाद में इसका साइज़ भी आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बेडरूम बताया गया है जिसका 12 फीट बाय 12 फीट 9 इंच का इसका साइज़ दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 15 फीट 7 इंच का दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये डायमेंशन आप देख सकते हैं, डायमेंशन जो है आप थोड़े बहुत चेंजेस कहने में हो सकते हैं क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप आराम से जो है डायमेंशन देख लीजिए। 12 फीट बाय 12 फीट 9 इंच का मतलब यहाँ से ये टॉयलेट छोड़ के 12 फीट बाय 12 फीट 9 इंच का है, लेकिन अगर पूरा रूम देखेंगे आप तो लगभग 15 फीट 7 इंच है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो सकता है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप आराम से डायमेंशन देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग डिटेल डायमेंशन दिए गए हैं, कॉलम की साइज भी दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा प्लान बनाया गया है, और ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी हमारे पास उन्होंने भेजा था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है उन्होंने भेजा था लेकिन 3D वेंटिलेशन उनको नहीं बनवाना था, ठीक है। तो शॉर्ट में आप समझ लीजिए, देखिए ग्राउंड फ्लोर से एंट्री यहाँ पर होती है, यहाँ पर पूरा ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल दिया गया है, काफ़ी बड़ा साइज है, 17 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का दिया गया है, यहाँ पर एक टॉयलेट दिया गया है, यहाँ पर एक टॉयलेट, ये जो टॉयलेट दिया गया है इस बेडरूम को अटैच दिया गया है, इसका साइज जो दिया गया है लगभग 16 फीट बाय 10 फीट का दिया गया है, और यहाँ पर जो अटैच टॉयलेट दिया है 5 फीट बाय 7 फीट का, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉमन टॉयलेट दिया है 4 फीट बाय 7 फीट का, और यहाँ पर एक गेस्ट रूम दिया गया है, जहाँ पर नीचे जो था यहाँ पर एक ऑफिस रूम था यहाँ पर उसको गेस्ट रूम बनाया गया है, 11 फीट 9 इंच बाय 10 फीट का इसका साइज दिया गया है, और यहाँ पर पूरा टेरेस दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट एलिवेशन में है ये पूरा टेरेस कैंसिल किया गया है, यहाँ पर हमने पूरी बालकनी ली थी, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमारी मेन एंट्री थी, यहाँ पर भी हमने गैलरी ली है, और यहाँ पर जो एक बेडरूम बताया गया है 12 फीट बाय 12 फीट 9 इंच का इसका साइज बताया गया है, जिसमें एक अटैच टॉयलेट बाथरूम बताया गया है, मतलब सेम साइज दिया गया है जैसे कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था सेम दिया गया है, यहाँ का बेडरूम भी लगभग सेम दिया गया है, और यहाँ पर एक ओपन ओपन टू स्काई रखा गया है, किचन दिया है 11 फीट बाय 7 फीट का, यहाँ से इस किचन में एंट्री हो सकती है, यहाँ पर डाइनिंग दिया गया है। तो ये जो है इस टाइप में उनका फर्स्ट फ्लोर का प्लान था, 35 फीट बाय 38 फीट का पूरा आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का साइज बताया गया है, उसके बाद में बालकनी वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था, तो मेन जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से ही हमने पूरा डिज़ाइन बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, और यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, और जो डिज़ाइन है ये जो है इस टाइप में। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो डिज़ाइन है आपको पसंद आया है, अगर आपको यह डिज़ाइन और यह प्लान आपको पसंद आता है, यह वीडियो भी आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, किसी को कुछ आइडियाज आ सकती है, तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें, और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।